सो गाइस, मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट मित्र पर। तो जैसा कि गाइस हमने पिछले वीडियो में जान लिया है टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल के बारे में, बेसिक जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। आज हम उन्हीं सारे मतलब कि यूनिवर्सलों के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो गाइस आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड होते रहे और उसका नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। तो गाइस आज के वीडियो लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइस हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, यूनिट सेल को हमने दो भागों में बांटा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हमने तीन भागों में बांटा है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और यिंड सेंटर्ड यूनिट सेल। गाइस क्या होता है कि बेसिकली हम इसको डायरेक्टली चार भागों में बांट सकते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बट गाइस क्या होता है कि देखो, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ये जो तीनों यूनिट सेल हैं, इनमें देखो सेंटर में क्या आते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्ट कहलाते हैं, इसलिए इसको सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहा जाता है। तो इसलिए इसको सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंतर्गत रखा गया है। तो गाइस सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, हम लोग उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्यूबिक यूनिट सेल के अंतर्गत हम लोग इन सारे तीनों पॉइंट को पढ़ेंगे अच्छे से। तो फिर फेस सेंटर में क्या होगा, बॉडी सेंटर में क्या होगा और एंड सेंटर में क्या होगा, ये हम क्यूबिक सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंतर्गत पढ़ेंगे और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो गाइस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक गेम खिलाते हैं, ठीक है। तो पहले गेम खेलो, फिर उसके बाद मज़ा आएगा, ठीक है, ताकि इसे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक गेंद है, ठीक, आपने उसको आधा काट दिया, ठीक है। ठीक है गाइस, आपके पास एक गेंद थी, आपने उस गेंद को आधे आधे भागों में काट दिया। अब आपने क्या पाया, दो आधे कटे हुए बॉल। अब आपको जो बॉल कटा हुआ है उसके खाली स्थान भी दिख रहे होंगे, दिख तो रहे होंगे ना, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, आपको बॉल के खाली स्थान भी दिख रहे होंगे। अब आप एक आधे कटे बॉल को ले लीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, आपने आधे कटे हुए बॉल को ले लिया। अब इस आधे कटे हुए बॉल को जब आप खोखले स्थान की ओर देखेंगे, ठीक है, आपने खोखले स्थान की ओर देखा, अब आपको जब देखेंगे तब उसके बाद आप उस बॉल को फिर से चार भागों में बराबर बराबर विभाजित कर लीजिए, यानी बांट लीजिए, डिवाइड कर लीजिए गाइस, ठीक है। बच्चों आपने क्या किया, आपने आधे गेंद को अपने चार इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिया। अब आप सभी को
कुल मिला के कितने डिवाइड पार्ट मिल गए हैं? चार तो आधे के मिल गए, चार अगले आधे के मिल गए, यानी कि अब आप सभी के पास 8 पार्ट मिल चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले 8 पार्ट को देखते हैं। तो ये रहे आपके 8ों पार्ट। अब आप सभी को इन 8ों पार्टों से आपको एक क्यूब बनाना है। ठीक है गाइस, आपको इन 8ों पार्टों से आपको एक क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के लिए चलिए हम आपको एक प्लेट दे देते हैं, एक नहीं 2 प्लेट देते हैं। पहला वाला जो प्लेट रहेगा, उस प्लेट पे समझ लीजिए वो ऊपरी वाला भाग है, और जो उसका मतलब कि दूसरा वाला प्लेट है वो समझ लीजिए उसका निचला वाला भाग है गाइस। यानी कि आपको 2 प्लेट दे चुके हैं हम लोग, और अब आप सभी को इस पे अरेंज करना है इन सभी बॉल के टुकड़ों को। तो गाइस आप सबके पास दिमाग है, और मैं जानता हूँ मेरे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो अब आप सभी लोग इसको अरेंज कर लेंगे। चलो अच्छा शुरू करते हैं, अरेंज ही कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पहले बॉल को उठाया, और उठाने के बाद यहाँ पे सेट कर दिया। फिर उसी तरीके से हमने दूसरे बॉल को भी उठाया, दूसरे बॉल को यहाँ पे सेट कर दिया, तीसरे बॉल को उठाया और तीसरे बॉल को यहाँ पे सेट कर दिया, फिर चौथे बॉल को उठाया और चौथे बॉल को यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा ऊपरी वाला प्लेन कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद निचला वाला प्लेन कैसे कंप्लीट करेंगे? अब हमारे पास चार बॉल के पार्ट बचे हुए हैं। अब इन चारों बॉल को पार्टों को हम पहले बॉल को उठाए पार्ट को यहाँ पे अरेंज कर दिए, फिर दूसरे पार्ट को उठाए यहाँ पे अरेंज कर दिए, फिर तीसरे को उठाए यहाँ पे, चौथे को उठाए यहाँ पे। इस तरीके से हमने बॉलों को क्या किया, अरेंज कर लिया है गाइस। तो गाइस इस तरीके से हमने ये देख लिया कि हमने ऊपरी वाला भाग और निचले वाले भाग को अच्छे से अरेंज कर दिया। तो अब हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बना है, हम आपको उसकी थोड़ी सी इमेज दिखाते हैं। ये देखिए आपके सामने ये जो इमेज है, ये एनसीईआरटी का इमेज है, और अब आप सभी को पता हो चुका होगा कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं और किस तरीके से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का निर्माण करते हैं। गाइस जैसा कि हमने पहले प्लेट में देखा, ठीक है, वो देखिए ऊपरी वाला सतह आपको दिख रहा है पहले प्लेट की तरह ना, ऐसे ही आपको निचली प्लेट वाला भी दिखेगा जब आप निचले सतह की ओर देखेंगे गाइस। तो गाइस इसमें देखो बेसिकली हमने कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिए, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बनाने में। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं आप सभी को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो गाइस इसमें हमको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बनाने में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की रिक्वायरमेंट लगी, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की रिक्वायरमेंट लगी। तो गाइस क्या होता है कि ये सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे अरेंज होते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो गाइस क्या होता है कि ये सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरे क्यूब के कॉर्नर पे स्थित होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर क्यूब के कॉर्नर पे सिचुएटेड होते हैं तो यानी एक कॉर्नर पे कुल मिला के एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं? एग्जैक्टली गाइस 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8ों कॉर्नर पे हमने कितने बॉल को रखा, 8 कंस्टिट्यूएंट्स बॉल को रख दिया। हम लोग कंस्टिट्यूएंट्स बॉल को एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक बॉल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्यूब में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को उसके कॉर्नर पे रख दिया है। इस तरीके से गाइस हम लोगों ने ये जान लिया है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे अरेंजमेंट होता है, उनका कॉर्नर पे अरेंजमेंट होता है। ठीक है गाइस, अगर हम लोग बात करें एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बनाने में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भाग लेते हैं, तो हमको उत्तर में क्या मिलता है गाइस, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भाग लेते हैं। ठीक है, तो बात ये आती है इन 8ों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना भाग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाने में लगता है। तो हमने अभी अभी जाना है कि एक
कंस्टिट्यूशंस पार्टिकल का 1/8 भाग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बनाने में भाग लेता है। ठीक है, तो अब आप सबके मन में ये बात आ रही होगी कि 8 तो बॉल लगे और सभी बॉल के 1/8 भाग ही यूज हुआ है। तो अगर हम 8 को 8 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास, तो गाइस अपने पास आंसर क्या आ जाता है? अपने पास आंसर आ जाता है 1। यानी कि गाइस एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बनाने में हमने एक बॉल का प्रयोग किया है। ठीक है, हमने एक बॉल का प्रयोग किया है। तो ये जो एक है, ये जो अपने पास एक आंसर आया है ना गाइस, ये इसका रैंक होता है। क्या होता है? रैंक होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, नई नाउ सुपर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट।